जानते हो ना, तो वो तो एक मिनट मैडम थोड़ा आप इधर आ जाइए। पूरा वहां तक का सब सामान टोटल निकाल लिया, इसमें से निकाल लिया। कपड़ा अलमारी का सब नीचे था, सब रात को सिहा रहे हैं, बेड बिस्तर सब ठीक किए हैं पूरा वो सब। सुबह 10:30-11 बजे ड्यूटी गए थे, स्टोर में जॉब करते हैं और वहाँ से लगभग 9 बजे छुट्टी हुआ मेरा। 9 बजे जब वहाँ से वापस घर आए तो माँ के घर गए, खाना वाना खा के वापस आए तो मेन गेट में ताला बंद था। ताला जब खोले तो अंदर से लॉक जो है लगा हुआ था, तो ऊपर गेट के ऊपर में चढ़ के देखे कि गेट क्यों नहीं खुल रहा है। बाहर से ताला खोलने के बाद तो देखे कि कड़ी लगा हुआ है, फिर गेट को वापस फांद कर उस कड़ी को वापस खोले, गेट खोले, बच्चा था मेरे साथ, गाड़ी था, उसको वापस अंदर लाए हैं, गाड़ी बच्चा को। उसका जब अंदर देखे तो मेन दरवाजा में ही मेरा सारा ज्वेलरी था, सारा बैग वग सब फेंका हुआ था। फिर अंदर आके देखे किस तरह का प्रॉब्लम हुआ, उसके पहले ही घर वालों को फोन कर चुके थे किस तरह का घटना हुआ है, तब तक सारे लोग आ गए थे। फिर थाना को फोन किए, थाना वाले लोग आए, सारा देखे, इधर उधर सब कुछ देखे, कहीं कुछ नहीं मिला। लगभग 7 ताला तोड़ने के बाद जो है चोर जो है अंदर आया होगा। तो इसमें कुल कितने की संपत्ति की आपकी चोरी हुई होगी? लगभग मेरा 80,000 से 90,000 का संपत्ति चोरी हुआ है सिर्फ, मतलब कैश तो वो जो चोरी हुआ है वो लगभग आपको कैश चोरी 70,000-80,000 रुपए कैश चला गया, क्योंकि घर ढलाई करना था उसके लिए पैसे लेकर आए थे और लगभग 3-4 लाख रुपए का जेवर था, तो जेवर तो उससे ज्यादा का ही होगा, शादी का सारा जेवर था। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई, चारों साइड देखी और पुलिस चली गई। अरे आप लोग लिखित दे दिए हैं क्या? लिखित अभी बोली पुलिस की आप सुबह आइएगा, लिखित दीजिएगा। प्लस क्या है कि पुलिस को मेरे घर में दुर्घटना घटा इस चीज से कोई मतलब नहीं है शायद, वो पुलिस को इस चीज से मतलब है कि मैं किस थाना में आती हूँ, जबकि मेरे पास क्लियर प्रूफ है हर चीज का कि मैं चास थाना में हूँ। प्रॉपर 25 साल से इधर रह रही हूँ, बोकारो में 25 साल से हूँ, मैं प्रॉपर हर काम अपने चास थाना से करवाई हूँ। आज पुलिस जब आई तो उनको संदेह हो रहा है कि मैं पिंडा जोड़ा थाना में हूँ।